ऑल राइट गाइस, सो पिछला वीडियो था हमारा फॉर लूप्स के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि फॉर लूप्स जो है किसी को ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं दे रहे होंगे। तो मुझे नीचे कमेंट में बता दो कि अभी तक कोर्स कैसा चल रहा है। आप लोगों को सिंपली ये लिखना है कि कोर्स मस्त चल रहा है, ताकि और लोगों को पता चले कि कोर्स में काफ़ी कुछ आने वाला है, और अब तक जितना मैंने बताया वो बहुत बढ़िया बताया है। तो मुझे पता है कुछ लोग ज़रूर टाइम लेके कमेंट लिखेंगे, और कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि कमेंट क्या लिखना, सीधे आगे बढ़ जाते हैं। बट एनीवेज़, मैं यहाँ पर आऊँगा इस वीडियो में और आप लोगों को बताऊँगा डू व्हाइल लूप के बारे में। फिर से बोलना चाहूँगा, ज़ैम्प मेरा चल रहा है और ये जो वीडियो है ये इस कोर्स का पार्ट है, जो कि आप लोगों ने शायद ऑलरेडी बुकमार्क कर लिया होगा, PHP ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो इसको बुकमार्क करके और सेव करके रख लेना आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा 14_, और मैं do_while_loops.php नाम से ये फाइल बनाऊँगा। अब बिल्कुल भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से यहाँ पर क्या करूँगा, जो अपने PHP का सिंटैक्स है वो लिख दूँगा, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा वेलकम टू डू व्हाइल लूप्स, और उसी के साथ साथ br लगाकर मैं क्या करूँगा, सेव कर लूँगा इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको इंडेक्स ऑफ CWH PHP, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको भी मैंने बुकमार्क किया हुआ है। तो डू व्हाइल लूप्स में आपका स्वागत है लिखकर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब ये डू व्हाइल लूप क्या है, देखो वाइल लूप अगर आपको समझ में आ गया तो डू वाइल लूप भी समझ में आ गया, ऐसा समझो। वाइल लूप और डू वाइल लूप एक तरह से एक ही चीज़ है, बस डू वाइल लूप जो है वो एक बार रन ज़रूर करता है, आप उसको एक बार रन होने से रोक ही नहीं सकते, आपको उसको एक बार चलना ही चलाना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और उससे पहले मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक बार अगर आप वाइल लूप्स को वापस से देख लें तो आप लोगों को क्लैरिटी जो है थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। वाइल लूप्स में क्या था, वाइल लूप्स में हमने एक वेरिएबल बनाया था और हमने कहा था कि वाइल के अंदर कंडीशन है, तो अगर मैं इसको वापस से चेंज करूं तो देखो वाइल कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद वाइल के अंदर होता है कुछ कोड रन होता है। ठीक है, सम लाइंस ऑफ कोड हेयर, ठीक है, और यहाँ पर मल्टी लाइन कॉमेंट्स का यूज़ करते हैं यार हम लोग, हमने सीखा है मल्टी लाइन कॉमेंट्स, तो क्यों ना यूज़ करें उसका। ठीक है, तो वाइल कंडीशन और सम लाइंस ऑफ कोड हेयर, यानी कि हमने क्या पर क्या किया है, वाइल लूप लगाया है और कुछ लाइंस ऑफ कोड हमने इसके अंदर लिखा है। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है कि जब भी आपकी जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स है तब ये वाइल लूप आपका नहीं रन करेगा, लेकिन डू वाइल लूप का अगर सिंटेक्स मैं आप लोगों को दिखाऊँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि ये काम आएगा। अगर मैं आपको डू वाइल लूप का सिंटेक्स दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से, डू और उसके बाद सम लाइंस ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड हेयर, और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपकी लाइंस हैं, लाइंस ऑफ कोड आ गई हैं यहाँ पर, उसके बाद आता है यहाँ पर वाइल, और ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सिंटैक्स अगर आप लोग वाइल लूप से आ रहे हैं तो। और मैं यहाँ पर सिंपली मल्टी लाइन कमेंट का वापस से यूज़ करूँगा, और यहाँ पर क्या है कि डू वाइल लूप हमने लगाया है, डू उसके बाद अंदर कुछ लाइंस और उसके बाद वाइल और कंडीशन। इसका क्या मतलब है, देखो अगर वैसे देखें एक बहुत ही लेमन टर्म्स में देखें तो देखो कोई चीज़ अगर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है तो एक बार वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो वापस से करेगा वरना नीचे आ जाएगा, तो एक बार तो इनकाउंटर हो गई होगा वो। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी कर लो, कंडीशन अगर फॉल्स भी हो तो एक बार तो रन करता ही करता है, बाकी जो है वाइल लूप की तरह है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं डू और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूं एको और उसके बाद लिखूं $i और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से br लिखूं और ये लिखने के बाद मैं लिखूं while और उसके बाद लिख दूं i < 5। ठीक है, और हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैं भी भूला अभी, देखो यहाँ सेमी कोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सेमी कोलन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार एम्फेसाइज करके इस बात को बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर गलती होती ही होती है, और मैं इसको थोड़ा सा इतना एक्साइटेड होकर इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि अचानक से क्या हो गया, ये इतना चिल्लाने क्यों लग गए हैरी भाई। देखो भाई ऐसा है, ये जो सेमी कोलन है बहुत इंपॉर्टेंट है, डू व्हाइल लूप्स को अगर आप लोग देख रहे हो तो भूलोगे, और कभी कभी इन जनरल बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने, कभी कभी जो एरर होता है वो आपको रूट कॉज तक नहीं पहुँचाता है, आपको बोला जाएगा ये प्रॉब्लम है लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कोई सेमी कॉलन, और वो जो आपका पार्सर है, देखो ये एक जो कंपाइलर इंटरप्रेटर या जो भी चीज़ें हैं ये सब एक मशीन होती हैं, तो इनको जिस तरह से प्रोग्राम किया गया ये उस तरह से काम करती हैं, आपकी जिम्मेदारी है
सेमी कोलन वगैरह सिंटेक्स वगैरह चेक करो। अगर आपको कंपाइलर ये भी बता रहा है कि भाई कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, तो हो सकता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉब्लम आई हो, तो आपको जो रूट कॉज है वो खुद ही एज अ ह्यूमन फाइंड आउट करनी है और उसको फिक्स करना है। तो सेमी कोलन लगाना कहीं मत भूलना। डू व्हाइल लूप एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूला जाता है सेमी कोलन, इसलिए बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर एम्फेसाइज कर करके, ठीक है। डू लेगा सम लाइन्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कि मेरी इस केस में एको डॉलर आई था। डॉलर आई को ज़रा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 89 कर देता हूँ। तो क्या ये आई जो है मेरा वो 5 से छोटा है 89? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, और यहाँ पर कुछ गलती कर दी है मैंने। क्या गलती करी है, मैं एरर नहीं देखूँगा और ऐसे ही इसको फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा। ओके सो डॉलर, यहाँ पर डॉलर नहीं लगाया। ओके तो ऑब्वियसली आपको एरर मैसेज पढ़ना है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आपको एरर मैसेज नहीं पढ़ना है और सीधे कोड में देखना है, बट कभी कभी देखो क्विक स्कैन से पता चल जाता है, जैसे कि मुझे पता चल गया इसलिए मैंने नहीं पढ़ा कोड इसको। उसके बाद भी अगर मुझे कोई इशू आता तब मैं हाँ शायद देखता उसको वापस से। तो देखो यहाँ पर 89 प्रिंट हुआ, लेकिन आप सोच रहे होगे कि आई की वैल्यू 89 थी जो कि 5 से छोटी नहीं है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है। मैंने बोला था अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक बार जो है डू व्हाइल लूप रन होता ही होता है, और अगर कंडीशन ट्रू मिल गई उसको तो फिर चलता रहता है ऐसे। तो एक बार ये भी देख लेते हैं एक एग्जांपल जहाँ पर कंडीशन ट्रू मिल जाए उसको। आई की वैल्यू को ज़ीरो किया मैंने डू के अंदर डाला एको डॉलर आई, तो एको डॉलर आई की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। फिर ये जो कंडीशन है ट्रू है या नहीं है, ये ट्रू है इस केस में, लेकिन मैं यहाँ पर अपडेट नहीं कर रहा हूँ अपने वेरिएबल को। तो मैं एक काम करता हूँ आई को प्लस प्लस भी कर देता हूँ ताकि आई मेरा बढ़ता जाए और एक टाइम पर इवेंचुअली ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन जो है वो ट्रू थी लेकिन आई की वैल्यू वन हो चुकी है, तो ये वापस से इसको रन करेगा, आई की वैल्यू फिर टू हो जाएगी, फिर वापस से रन करेगा, एक टाइम होगा कि आई की वैल्यू फाइव ही हो जाएगी। तो जब ये फाइव प्रिंट करेगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इसको मैं अगर रन करूँ 0 1 2 3 4, ठीक है, तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये वापस आएगा ही नहीं, यानी कि रन ही नहीं करेगा इसको। 4 जैसे ही होगी तब कंडीशन ट्रू होगी, दैट विल बी द लास्ट टाइम जब ये डू व्हाइल लूप रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक बार तो ये आएगा, कुछ ऐसा समझ लो कि ऊपर से एंट्री ले रहा है ये, इसको इसने ये देखा ही नहीं है कंडीशन को, ये आया आया एक बार एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद इसने देखा ओ कंडीशन तो फॉल्स है, तब होगा ही नहीं एग्जीक्यूट, लेकिन कंडीशन ट्रू है वापस से यहाँ पर आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा गुजरेगा इससे कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ पर वापस आएगा, फिर गुजरेगा कंडीशन चेक करेगा, एंड सो ऑन जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये था हमारा डू व्हाइल लूप। आई होप कि जो बेसिक आइडिया है डू व्हाइल लूप का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने डू व्हाइल लूप को देखा, व्हाइल लूप को देखा, फॉर लूप में को देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन तीनों में से सबसे मज़ेदार लूप कौन सा है, वो कौन सा लूप है जो कि मेरी नैया हमेशा पार लगा देगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऐसा कोई लूप नहीं है जो कि आपकी नैया पार लगा देगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, आपकी जो मैं कहूँगा ईज पे, आप किस तरह क्या लिखने में कंफर्टेबल हैं, किस तरह की एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से आप यूज़ करेंगे व्हाइल फॉर या डू व्हाइल। डू व्हाइल का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल तब है कि जब आप कम से कम एक बार जो है किसी काम को करवाना चाहते हैं, जैसे मान लो फाइल क्लीनअप्स, ठीक है। अगर मान लो किसी तरह का क्लीनअप आप करना चाहते हैं और आप यहाँ पर आए, आपकी स्क्रिप्ट आई, मान लो कि सर्वर के कुछ लॉग्स हैं जो कि आप क्लीन करना चाहते हैं PHP की मदद से, तो क्या होगा, आप चाहेंगे कम से कम एक बार वो रन ज़रूर हो। और मे बी अगर आप लोग को ज़्यादा क्लटर दिखता है या कोई और कंडीशन मेट होती है या फिर पिछला स्कैन कब रन हुआ था उसके हिसाब से आप और रन करना चाहें जो आपकी जो सिस्टम फाइल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए। और एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही क्विक एग्जांपल है, बहुत ही डर्टी एग्जांपल है दे रहा हूँ, कि कम से कम एक बार जब आप चाहते हैं कि कोई चीज़ रन हो तो आप लोग डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल का कब आप इस्तेमाल करते हैं, व्हाइल का आप तब इस्तेमाल करते हैं जब मे बी आपको जो कंडीशन है आपकी जो अपडेशन है आपका वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। कंडीशन ये है और ये मेरा अपडेशन है, हो सकता है कि आप एक चीज़ को अपडेट ना करना चाहते हो, आप 10 चीज़ों को अपडेट करना चाहते हो, तो शायद अगर आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ये जो कंडीशन है इनको बार बार जो है अपडेट यहाँ पर करना होगा, या फिर अगर आपकी यहाँ पर भी आप अपडेशन कर देते हैं और यहाँ भी अपडेशन है तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, दो दो जगह अपडेशन। तो आप लोग जो है उस केस में व्हाइल लूप को यूज़ करेंगे। और फॉर लूप कब आप यूज़ करेंगे, जब आपको सिंपली क्या चाहिए, आपको कुछ वैल्यूज़ चाहिए जो कि एक हिसाब से इंक्रीमेंट या एक हिसाब से डिक्रीमेंट हो रही है,
तो जैसे कि 1 to 10 तक अगर आपको चलाना है अपने लूप को, तो आप आराम से क्विक फॉर लूप लगाकर उसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप एक डॉलर आई बनाएं वाइल के बाहर और वाइल के अंदर उसके फिर अपडेशन कराएं, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहेगी अगर आप लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं, तो उस केस में आप लोग फॉर लूप यूज़ करना चाहेंगे। नेवरदलेस जो भी चीज़ है वो, सो गाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा लूप कब यूज़ करना है, इसका कोई रूल बुक है ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस से पता चलेगी। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि कौन सा लूप किस तरह काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों में से सिर्फ एक लूप किसी ने सीख लिया और उसकी मदद मतलब से वो पूरी वेब डेवलपमेंट अपनी निकालना चाहता है PHP से, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एज अ वेब डेवलपर या एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामर जो भी आप हैं, अगर आप लोग दूसरे के कोड को देखते हैं और उसमें वो चीज़ है जो कि आपको नहीं आती है, तो आप एक कंप्लीट डेवलपर नहीं हो। तो आपको पूरी लैंग्वेज के सारे मुद्दों को सीखना पड़ेगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा, ताकि अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यूज़ कर ही पाएँ, लेकिन किसी और ने अगर आप लोगों को किसी और के द्वारा लिखी गई एप्लीकेशन पकड़ा दी, तो उस केस में भी आप जो है पीछे ना हटें, तो इसलिए वो चीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो गाइस आई होप कि ये जो लूप्स हैं बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये प्लेलिस्ट आपने अभी भी एक्सेस नहीं करी है गाइस, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लो उस प्लेलिस्ट का, और या क्लिक करके बुकमार्क कर लेना या क्लिक करके सेव कर लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच में से लोग कमेंट करते हैं बहुत कि मुझे वेरिएबल्स नहीं मालूम, मुझे ये नहीं मालूम, तो मैंने एक पूरा कोर्स जब सेटअप करके रखा हुआ है एक जगह पर, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और उनको स्टेप बाय स्टेप देखें। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट्स लिखें और मुझे वीडियो पर लाइक तो कम से कम दे ही देना यार, अगर कमेंट्स का आपके पास टाइम नहीं है, कल एग्ज़ाम है आपका मे बी, तो आप सिर्फ लाइक करके भी मैं काम चला लूँगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।